का अवैध कटे ठाकुर प्लांटेशन का, उसमें भोले भाले यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी वाला सीतावंड का 3 आदिवासी भाई एक लोहार गरीब है, उनको उनका कथन यही है गरीब लोग। जय हिंद वंदे मातरम, मैं हूँ भारत योगी IMNB न्यूज के लिए। केशकाल वन मंडल के अंतर्गत बोरगांव में अवैध रूप से पेड़ों को काटा जा रहा था, जब फॉरेस्ट का टीम वहां पहुंचा तो 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 3 भोले भाले आदिवासी थे। चारों मजदूरों ने बताया कि उन्हें रोजी में 300 रुपये रोजी में लाया गया है, और एक शिक्षक का नाम सामने आया जो जंगल कटवा रहा था। अगर ये मामला पहली बार उजागर हुआ है तो ये निश्चित है कि वह इससे पहले भी पेड़ कटवाता रहा है। सुनिश्चित योजना के तहत वो ग्रामीणों को कहता है कि फला जगह की जमीन मेरी है और वहां से बाईपास सड़क निकलने वाली है, आप लोग इस पेड़ों को काट दीजिए ताकि ये जगह सुव्यवस्थित हो जाए, और इस तरह से वो पेड़ कटवाता है। ये मामला पहली बार उजागर हुआ है और फिर भी उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज के सहित आदिवासी नेता भी अब उद्वेलित हो गए हैं कि 3 भोले भाले आदिवासियों पर मामला बनाया गया। इस मामले को लेकर वरिष्ठ आदिवासी नेताओं तक बातें पहुंच रही है। कृष्णा ध्रुव पूर्व विधायक ने भी गंभीर आरोप लगाया है कि असली आरोपी तक पुलिस और फॉरेस्ट नहीं पहुंच रही है। देर सवेरे मामला सर्व आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचेगा। सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक डॉक्टर नंद कुमार साय, पूर्व सांसद, प्रथम नेता प्रतिपक्ष सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरविंद नेता, सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख सोहन पोटाई तक यह मामला पहुंचेगा और यह बड़ा आंदोलन का रूप भी ले सकता है, क्योंकि बस्तर में जंगल कट रहा है और आदिवासियों को शिकार बनाया जा रहा है। अवैध कटे ठाकुर प्लांटेशन का, उसमें भोले भाले यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी वाला सीतावंड का 3 आदिवासी भाई एक लोहार गरीब है, उनको उनका कथन यही है गरीब लोगों को मजदूरी के नाम से वहाँ बुलाया गया, भू माफिया केशकाल का चर्चा का विषय बना हुआ। ये आदिवासी लोग असली मुजरिम में, आप आदिवासी का भूतपूर्व विधायक भी है, केशकाल का भूतपूर्व विधायक कृष्ण कुमार ध्रुव, आपका श्री मुँह से मैं जानना चाह रहा था, हमारे न्यूज वालों को दर्शकों को बताइए सर मुझे। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी आदिवासी है वो सड़क के किनारे, वो बाईपास रोड बन रहा है जो आप बतला रहे हैं PF 1262 नंबर का, वो जो है वो बाईपास रोड के पास की ज़मीन है, उस पास में इतने दूर से लगभग 10 किलोमीटर यहाँ केशकाल से सीधावन पड़ता है, वहाँ के गरीब आदिवासी लोग आकर यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। आदिवासी अतिक्रमण के नाम से यदि मान लो करते भी हैं तो वो अपने खेती बाड़ी के लिए व्यवस्था वसूल लोग करते हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते कि ये सागौन का जंगल है, सागौन का जंगल काटते हुए हमने कभी नहीं सुना। आप और वो भी आपको ये जानकारी क्या मिले सर, ये कटवाया गया है उन लोगों? नहीं, मैं मेरे को जो जानकारी मिली है कुछ सूत्र से मुझे जो जानकारी मिली वो यही कि किसी ने जो केशकाल का ही है और संभवतः उनके भी संपर्क में रहा होगा वो सीधावन के, और उसने आदिवासियों को ये कहा कि भाई हम 300 रुपया लगभग तुमको रोजी देंगे, आप ये हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीन है तो इसलिए जो कुछ भी होगा वो मैं देखूँगा, आप इसको साफ करके दो। तो ऐसी स्थिति में वहाँ गांव के जो लोग थे आदिवासी वो उन लोग वहाँ पर गए, लगभग 3 दिन तक की उन्होंने एक कटाई किया, लगभग 100 पेड़ काटे गए। एक एकड़ का कटाई हुआ है। हाँ, एक एकड़ इसमें आपका मांग क्या है सर? नहीं, हमारा तो यही कहना है कि जो हकीकत में आरोपी है जी उसके ऊपर में केस बनाया जाए जी। अब कोई आदिवासी को यदि ये कोई कहेगा कि नहीं भाई हम